आगे जी आगे। पहले आपको अंदर देख लीजिए क्योंकि फोग लगा हुआ है, तो हो सकता है अंदर से बाहर अंतर खुल जाए। फोग पहले आपको अंदर देखिए, अंदर चलाओ पहले। इसी रास्ते से वापस आएंगे ना भाई? हाँ, यही से वापस आएंगे भैया। एंगल तो ली थी उसकी, इस एंगल तो देख चुकी है। यार तो बहुत तगड़ा फोटो भी खींच मार। अरे तू आ जाए। इधर ला। अब चला मुझे पता क्या, मैं ज्यादा दूर दूर चिल्ला रहा था। पता चल गया ना, कमरा भी नहीं था मैम, हॉल था। कमरा एक तो दिखाना चाहिए था एटलीस्ट। ये पूरा राजभवन है, ब्यूटीफुल है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ दिखाया नहीं अंदर। कैसा लगा राजभवन में आकर? राजभवन आके अच्छा लगा। अच्छा लगा, ऐसा लगा इन्होंने हमारा काटा, बट जितना भी दिखाया काफी अच्छा दिखाया। ये है यहाँ का सुसाइड पॉइंट। मम्मी ज्यादा आगे मत जाना। आ चुके हैं बोटानिकल गार्डन में। पिछली बार भी आए थे हम यहाँ पे पिछले साल, बट उस टाइम पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। ये भैया ही बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें मालूम है, डोम्स में आ गए हम। बाहर देखना जरा, इसको थोड़ी खाती है बकरी, वो तो अमिल्डा को खाती है। वीडियो में दिखा दूंगा मैं। है? तो वो अमिल्डा खाती है यार। इसको हमारे गांव में नहीं है, मतलब दूर। बैंड बजा बोल। रणवीर कपूर बोला आपने? क्यों है वो? किसी भी पौधा को ना छोड़े, नुकसान होने वाला, 1000 रुपए का खर्चा है। 25,000 के एक एक कैक्टस हैं, तो हो सकता है ना। गरम कितना? ये है वो ब्रह्म कमल, लक्ष्मी नाम। इन्हें ओस से बचाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, वरना इन्हें तो ठंडक ही चाहिए होती है ना। ये तो सुंदर है वाला।